अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। बिरयानी खाना किसे नहीं पसंद, तो आज मैं लेकर आई हूँ इजी और डिलीशियस अंडा बिरयानी की रेसिपी। कहने को तो ये अंडा बिरयानी है, लेकिन इसका टेस्ट चिकन और मटन बिरयानी से कम नहीं है। बहुत ही टेस्टी अंडा बिरयानी बनकर तैयार होता है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। यहाँ पर हमने 5 उबले हुए अंडा ले लिया है, तो अंडे को हमें फोक की हेल्प से प्रिक कर लेना है, जिससे जब ये तेल में फ्राई होंगे तो चिटकेंगे नहीं। इसी तरह से हम सारे अंडों में प्रिक कर लेते हैं। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे और 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और 1/4 टीस्पून नमक डाल देंगे और इसे हमें अंडे में मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, हमने इसे मिक्स कर लिया है। तो अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। यहाँ पर हम एक पैन लेंगे और इसमें हम 1/2 कप तेल डाल देंगे और तेल जैसे ही गर्म होगा हम इसमें अंडे को डाल देंगे। अंडे को हमें गोल्डन होने तक के फ्राई कर लेना है। इसी के साथ हम यहाँ पर 3 से 4 उबले हुए आलू डाल देंगे। आलू को हमने प्रेशर कुकर में नमक डालकर उबाल लिया था और इसमें हमने थोड़ा सा फूड कलर भी डाला था, तो इसे हमें गोल्डन होने तक के फ्राई कर लिया है। तो अब हम इसे पैन से निकाल लेते हैं। आप चाहे तो आलू को स्किप भी कर सकते हैं। इसी तेल में हम 2 मीडियम साइज चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे और प्याज को हमें गोल्डन होने तक के फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए, हमने प्याज को गोल्डन फ्राई कर लिया है। तो अब हम इसे पैन से निकाल लेते हैं। इससे ज़्यादा हमें इसे डार्क नहीं करना है। अब हम इसी तेल में 1 टीस्पून सफ़ेद जीरा, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 2 हरी इलायची और 1 बड़ी इलायची डाल देंगे और इसे हम हल्का सा फ्राई कर लेते हैं, जिससे सारे मसालों का फ्लेवर तेल में रिलीज हो जाए। तो अब हम इसमें 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसे भी हम 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं, जिससे लहसुन अदरक का कच्चापन निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमने लहसुन अदरक को फ्राई कर लिया है। तो अब हम इसमें 2 मीडियम साइज टमाटर को डाल देंगे, जिसे हमने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। आप यहाँ पर टमाटर के प्यूरी भी डाल सकते हैं मिक्सी जार में ग्राइंड करके। और इसी के साथ हम 2 हरी मिर्च के पेस्ट को डाल देंगे। और अब हम इसमें 1.5 टेबल स्पून बिरयानी मसाला पाउडर डाल देंगे और अब हम इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। मिर्च का टेस्ट आप अपने हिसाब से यहाँ पर रख सकते हैं। और यहाँ पर हमने 1.5 टीस्पून नमक डाला है। नमक का टेस्ट भी आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। और इन सारी चीज़ों को हमें फ्राई कर लेना है, जब तक कि तेल जो है सरफेस पे नहीं आ जाता है। अब हम इसमें प्याज को डाल देंगे, जिसे हमने गोल्डन फ्राई करके रखा था। तो इसे हम हाथों से क्रश करके डाल देते हैं। तो यहाँ पर हम प्याज थोड़ा सा बचा लिए हैं, जिसे हम बिरयानी के लेयर लगाने के टाइम में यूज़ करेंगे। अब हम इसमें 3 से 4 टेबल स्पून दही डाल देते हैं, जिसे हमने बिल्कुल फाइन सा बीट कर लिया है। इसमें लम्स नहीं रहना चाहिए। और इसे भी हम फ्राई कर लेते हैं, जब तक कि दही का पानी जो है ड्राई नहीं हो जाता है। और इसी के साथ हम यहाँ पर 1/2 टीस्पून नींबू का रस डाल देंगे और इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे मसाले जो है अच्छे से भून चुके हैं। तो अब हम इसमें अंडा और आलू को डाल देते हैं, जो हमने फ्राई करके रखा था, और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। और 1 मिनट के लिए सारे मसालों के साथ हम अंडे और आलू को फ्राई कर लेते हैं। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा पानी डाला है, जिससे ये मसाले जो है ग्रेवी फॉर्म में आ जाए। तो इसे भी हम मिक्स कर लेंगे और इसमें हम 1 उबाल आने देते हैं। तो ये देखिए, इसमें उबाल आ गया है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा फ्रेश धनिया पत्ता डाल देते हैं। आप यहाँ पर पुदीना पत्ता भी डाल सकते हैं। तो बस ये तैयार है। तो अभी हम इसे ढककर एक साइड में रख देते हैं, जब तक कि हम चावलों की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 बड़े से बर्तन में पानी को गर्म होने के लिए रख दिया था। तो हम इसमें 1 टीस्पून सफ़ेद जीरा और 2 दालचीनी का टुकड़ा और 1 तेज़पत्ता और 2 से 3 हरी इलायची और 2 से 3 लौंग डाल देते हैं। इन मसालों को चावलों में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और साथ में हमने 1 टेबल स्पून नमक डाला है और इसे हम मिक्स कर देते हैं। और अब हम इसे ढककर छोड़ देते हैं, जब तक कि पानी में एक अच्छा सा बॉयल नहीं आ जाता है। आप यहाँ पर नमक खुलता हुआ ही डालिएगा। आप यहाँ पर पानी को चख कर देख सकते हैं, पानी थोड़ा नमकीन लगना चाहिए, तभी चावलों में नमक का फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर पानी में उबाल आ चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 500 ग्राम बासमती चावल,
यहाँ पर हमने लॉन्ग ग्रेन बासमती चावल का यूज किया है और इसे हमने 1 घंटे पहले पानी में भीगने के लिए रख दिया था। तो ये देखिए हमने चावल को डाल दिया है। तो चावलों को हमें 90% तक के कुक कर लेना है। जब चावल 60% कुक हो जाएंगे तो हम इसमें आधा नींबू के रस को डाल देंगे। नींबू के रस डालने की वजह से चावल जो है खिले खिले बनकर तैयार होते हैं। तो इसे भी हम चावलों में मिक्स कर लेंगे। तो चावल यहाँ पर 90% तक के कुक हो चुके हैं। हम इस तरह से हाथ से दबाकर देख लेंगे। ये देखिए इसमें हल्का सा कनी बाकी है। तो अब हम इसे चावल को पानी से रिमूव कर लेते हैं और इसे हम एक कंटेनर में छान कर रख लेंगे। तो अब हम बिरयानी की तैयारी कर लेंगे, यानी कि हमें बिरयानी की असेंबलिंग कर लेना है। तो हम यहाँ पर पैन में चावलों की पहले एक लेयर बिछा लेते हैं। चावलों को हमें 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है और मसाले और अंडों को हमें 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। तो हमने यहाँ पर चावलों की एक लेयर बिछा दी है। तो अब हम इसमें आधा मसाले और अंडे और आलू को डाल देते हैं और आधा हमें बचा लेना है। और इसी के साथ हम थोड़ा सा फ्राई किए हुए प्याज को डाल देंगे और थोड़ा सा हम यहाँ पर धनिया पत्ता डाल देते हैं। और अब हमें चावलों की दूसरी लेयर इसी तरह से बिछा लेनी है। और इसके बाद हम बचे हुए सारे मसाले और अंडों को डाल देंगे। तो हमने यहाँ पर सारे मसाले और अंडे को डाल दिया है। तो फिर से हम थोड़ा सा इसमें फ्राई किए हुए प्याज को डाल देते हैं और अब हम इसमें फिर से थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे। अगर आपके पास पुदीना पत्ता होगा तो आप यहाँ पर पुदीना पत्ता भी डाल सकते हैं। और अब हमें बाकी के सारे बचे हुए चावलों को डाल देना है। तो हमने सारे चावलों को डाल दिया है और अब हम इसमें फिर से थोड़ा सा फ्राई किए हुए प्याज और थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे। यहाँ पर हमने 4 से 5 टेबल स्पून दूध लिया था और दूध में हमने थोड़ा सा केसर को भिगो कर रख दिया था और उसी में हमने 1 टीस्पून केवड़ा पानी डाल दिया है। तो इसे हम डाल देते हैं। दूध डालने की वजह से चावल जो है सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डाला है और अब हम इसमें 1 टेबल स्पून घी डाल देते हैं। घी डालने की वजह से भी बिरयानी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो अब हम इसे दम लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे लिड से कवर कर दिया है और अब हम इसे गैस के ऊपर रख देते हैं। इसके नीचे आप कोई भी हैवी बॉटम तवा लगा दीजिएगा। तो टोटल हमने इसे 20 मिनट के लिए दम लगाया था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अंडा बिरयानी बनकर तैयार है और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। तो अब हम एक बार हल्के हल्के हाथ से चावलों को ऊपर नीचे कर लेते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर अंडा बिरयानी कितने आसानी से बनकर तैयार हो गया है। तो आप भी इस मेथड से अंडा बिरयानी एक बार ज़रूर बनाइए, आपके फैमिली मेम्बर को इंशाल्लाह बेहद पसंद आने वाली है। तो अब हम इसे खाने के लिए गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। अगर आपको चिकन बिरयानी और मटन बिरयानी की रेसिपी चाहिए तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की अंडा बिरयानी की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल बटन को भी प्रेस कर लें, तभी मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक के सबसे पहले पहुंचेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।